और अब बात करते हैं रीवा की, जहां रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत रामनई में पेशाब करने से मना करने पर बदमाशों द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि रात 8 बजे अमित नामदेव, पिता अरुण नामदेव, उम्र 19 साल, निवासी रामनई, घर के सामने शिव मुहूर्त पेशाब कर रहा था। तभी अमित नामदेव व उसके पिता द्वारा उसे घर के सामने पेशाब करने से मना किया गया। उसके द्वारा कहा गया कि अन्य कहीं पेशाब कर लो, सामने हमारा घर है, माँ बहन रहती हैं, यह सही नहीं है। बस इतनी सी बात शिव मुहूर्त को बुरी लग गई और दोनों में कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि अमित और उसके पिता को शिव मुहूर्त केवट अपने अन्य साथियों के साथ रावेंद्र केवट, छोटू केवट, रामसखा केवट, बाबूलाल केवट लाठी डंडे व रॉड लेकर आए और अमित व उसके पिता अरुण से मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों के हमले से अमित व उसके पिता घायल हो गए हैं। घायलों के दूरभाष पर बुलावे पर पुलिस पहुंची तो पुलिस द्वारा कहा गया कि पहले घायलों को अस्पताल ले जाओ, फिर इसके बाद हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। घटना रात 8 बजे की है। घायल अवस्था में इन्हें इनके बाबा ने अन्य परिजनों के साथ संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इनका उपचार चल रहा है। घटना के बाद से हमलावर फरार बताए जा रहे हैं। ये घटना हुई जे मारे हैं, ये लड़का पोता के साथ, नाती के साथ मेरी, ये मारी नहीं लाठी और राड से, मारी नहीं और टांगी से। क्यों मारे? वो हमारे घर के सामने पेशाब करने आए थे तो मना किए, तो कह दारू पी के तुम्हारे के हम करेंगे पेशाब, जो जो तुमको करना हो तो कर लो। ये मुड़ा केवट लोग, इनका नाम है रमेश केवट, शिवमूरत और पिंटू, रावेंद्र केवट, राम सखा और बाबूलाल केवट। नहीं, पुलिस वाले पहुंचे थे तो बोले के ले चलो इनको हॉस्पिटल, स्थित इनकी दिखी, जिनकी चोट लगी है तो बोले के ले, नहीं थाने वाले पहुंचे। 100 नंबर ये घर की हमरे, ये रामनई, हाँ अभी नहीं हुई है, लड़के को भर्ती करा दिए, लड़के को पोते के दोनों को, हाँ हाँ पुलिस को जानकारी हो गई है। लड़के के स्वास्थ्य तो थोड़ा ठीक है, मुंह में चोट लगी है, ये तो खून चू रहा है, उसको नाती को बहुत पीटे हैं, अभी ट्रीटमेंट चालू होते गए हैं यार, यही आपके संजय गांधी में। रिपोर्ट दर्ज कराने आप लोग गए थे? अभी नहीं गए, पुलिस वाले बोले कि जाओ तुम वहाँ, पहले हॉस्पिटल जाओ, इसके बाद फिर आना।